अर्थ प्रकाश देखने वाले तमाम भाइयों बहनों को डॉक्टर स्वास्तिक शर्मा का नमस्कार। प्यारे भाइयों बहनों, आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र की। जैसे हमने 3 दिन पहले महाराष्ट्र के ऊपर अपनी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दी थी, एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के अंदर हमने संकेत दे दिए थे कि महाराष्ट्र के अंदर सरकार बनने जा रही है, और हमारे वेबसाइट में और अर्थप्रकाश पेपर में भी हमने हिंट दे दिया था कि महाराष्ट्र के अंदर सरकार बनने जा रही है। और आज जब हिंदुस्तान के अंदर एक राजनीतिक भूचाल आ गया, जब NCP ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देकर आज सुबह देवेंद्र फडणवीस जी ने और उप मुख्यमंत्री जो NCP के थे अजीत पवार जी, उन्होंने एक सादे समारोह के अंदर आज सुबह ही महाराष्ट्र के अंदर मुख्यमंत्री की शपथ ले ली। और ये कैसे घटनाक्रम हुआ, ये बहुत बड़ी ही बात है और लोगों के अवाम के अंदर भी, और अगर देखा जाए महाराष्ट्र के लोगों के अंदर भी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने, अगर हम इसका कंक्लूजन निकालें कि भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर भी अपना ध्वज लहरा दिया है जीत का। मी देवेंद्र गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा मुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे किंवा अप्रत्यक्षपणे कळविणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही। लेकिन ये सबसे बड़ी बात है, अगर हम आज सबसे बड़ी बात है कि चिंतित करने की, जैसे महाराष्ट्र और हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने सरकारें बनाई, क्या ये गठबंधन दिलों के गठबंधन थे, क्या ये मजबूरियां थी, ये सबसे बड़ी बात है डेमोक्रेसी के अंदर। हमें आज एक बात स्पष्ट रूप से पुरानी अगर हिस्ट्री देखा जाए उसमें से याद आ रही कि सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था कि हिंदुस्तान के अंदर डेमोक्रेसी नहीं होनी चाहिए। आज ये काफ़ी हद तक ये बात देखने को मिल रही है। लेकिन ये सबसे बड़ी बात है कि ये दो सरकारें बनी हैं। अब ये हम बात करते हैं कि ये सरकारें हैं जो बनी हैं यहाँ पर महाराष्ट्र और हरियाणा के अंदर गठबंधन से बनी हैं, क्या इनके दिलों के गठबंधन हैं कि क्या ये इनकी मजबूरियां हैं, क्या ये महत्वाकांक्षाएँ हैं, ये कहीं ये तो नहीं कि डेमोक्रेसी के अंदर महत्वाकांक्षा भारी हो गई हैं। आज चिंतन करने का विषय है पत्रकारों के लिए भी, पॉलिटिकल एनालाइजर हैं उनके लिए भी, नेताओं के लिए भी, मतदाताओं के लिए भी कि हिंदुस्तान का डेमोक्रेसी किधर जा रहा है। दो राज्यों में जो सरकारें बनी हैं उनसे ये बहुत बड़े प्रश्न उठ रहे हैं कि क्या लीडरों की जो डेमोक्रेसी है वो लीडरों की महत्वाकांक्षाओं के ऊपर कम पड़ गई है। ये बहुत बड़े प्रश्न है आवाम के ऊपर भी, लीडरों के ऊपर भी। और ये सबसे बड़ी बात है कि ये जो सरकारें बनी हैं, अब ये भी देखने को मिलेगा इन सवालों के जवाब किसी के पास नहीं है, ना लीडरों के पास हैं, ना संविधान विशेषज्ञों के पास हैं, ना कार्यकर्ताओं के पास हैं। इन सभी के जो सवालों के जवाब सभी लीडरों की अंतरात्माओं के पास हैं। अगर वो अपनी अंतरात्माओं से ये प्रश्न पूछें कि क्या ये गठबंधन ठीक हुए हैं, तो उनकी अंतरात्मा ही ये जवाब दे देगी। और सबसे बड़ी बात एक और देखने को मिली है जो हमारे महाराष्ट्र के अंदर है, हरियाणा के अंदर है जो सरकारें बनी हैं, और सबसे बड़ी बात है कि ये एक फ्यूचर के अंदर ये बहुत बड़ी चुनौती होगा इन गठबंधन के लिए कि ये स्थिर सरकारें हिंदुस्तान को प्रदान करें, अपने अपने राज्यों को प्रदान करें। अगर ये स्थिर सरकारें नहीं प्रदान कर सकेंगे तो ये साफ जारी हो जाएगा कि इन गठबंधनों के अंदर लीडरों की महत्वाकांक्षाएं थी, डेमोक्रेसी नहीं थी। आज महाराष्ट्र के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी ने विजय का पताका फहराया है, पहले इसमें देखने को ये मिल रहा था कि शिवसेना, इलेक्शन से पहले की बात करें, शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन से इलेक्शन लड़ा। घटनाक्रम को हम तरतीबाई देखते हैं, लेकिन ऐन वक्त पर शिवसेना साइड पर होगी, और उसके बाद एनसीपी और कांग्रेस ने मिलकर गठबंधन लड़ा। और आज की डेट के अंदर एनसीपी भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर ये सरकार बना रही है। ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि कौन क्या ऐसी बातें होगी जो पूर्व धुरंधर विरोधी थे आज इकट्ठे हो गए और सरकार उन्होंने सरकारें बनाई। अब ये और इसके अलावा ये चीज़ देखने को मिलेगी कि शिवसेना का अब क्या रोल होगा महाराष्ट्र के अंदर। ये बहुत बड़ी बातें हैं जो भविष्य के गर्भ के अंदर हैं, लेकिन लोगों को धीरे धीरे हमें भी और सभी को ये लग रहा है आज की परिस्थितियां देखते हुए कि क्या हिंदुस्तान का लोकतंत्र खतरे में तो नहीं पड़ गया है।
इस इन इन चीजों को आप क्या कहोगे? ये बहुत बड़ी बातें हैं, लेकिन अब हम बात करेंगे, उसके बाद करेंगे हरियाणा की। हरियाणा में जजपा से गठबंधन हुआ, जजपा भी अलग अपने इलेक्शन में अपने मैनिफेस्टो लेकर आई थी, और जब जादुई आंकड़े से भारतीय जनता पार्टी पीछे हट गई तो जजपा भी सरकार के अंदर भागीदारी बन गई। इन इन गठबंधनों का लोगों के मन में क्या इम्पैक्ट होगा? पहले लोगों को, क्योंकि हिंदुस्तान ने लीडर चुनने की पावर आम जनता को दी है, उन मतदाताओं के ऊपर क्या होगा और इन लीडरों के ऊपर क्या होगा? अब सबसे बड़ी बात यह है कि इन लीडरों को, इन दो स्टेटों के गठबंधन जो हुए हैं, इन गठबंधन के लिए सबसे बड़ी जिम्मेवारी ये होगी कि इनको स्थायी रूप से 5 साल चलने वाली सरकार देनी पड़ेगी। अगर ये सरकारें 5 साल तक नहीं चली तो ये भी हो सकता है कि लोगों का लोकतंत्र के ऊपर से विश्वास उठ जाएगा। अब लीडरों के बयान आने भी शुरू हो गए हैं। शिवसेना के संजय राउत जी ने कहा है कि ये सबसे बड़ा पाप हुआ है, और राहुल गांधी जी ने ये कहा कि ये जो गठबंधन हुआ है अंधेरे में लाठी मारने वाली बात है। और ये सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये देखने को मिलेगी, क्या चुनाव आयोग इन गठबंधन पर क्या कोई नियम बनेंगे ताकि ये गठबंधन इलेक्शन से पहले हो, ताकि लोगों को इनकी पिक्चर क्लियर हो जाए कि इनके व्यूज़ क्या हैं, जिससे वो लोगों से वोट ले सकें। क्या इलेक्शन के बाद वाले गठबंधन किस हद तक ये डेमोक्रेसी को बचाने के लिए कारगर हैं? ये बहुत बड़ा प्रश्न है आवाम के ऊपर। और महाराष्ट्र हरियाणा की बात करें कि दोनों राज्यों में, पहले हरियाणा की बात करेंगे, जजपा और भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई। महाराष्ट्र के अंदर एनसीपी और भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई, और सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी ये ब्लेम लगा रही है कि इसमें शरद पवार जी की भूमिका बहुत बड़ी है, लेकिन शरद पवार जी ने ये स्टेटमेंट दिया है कि इस बारे में उनको कोई बड़ी कुछ ज्ञात नहीं था। अब सबसे बड़ी बात है कि जो इनके दोनों राज्यों में जो पार्टियों के मतभेद थे, क्या वो मतभेद भुलाकर ये दोनों राज्यों में सरकारें क्या स्थिर दे सकेंगी? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। और विपक्ष के लिए भी सबसे बड़ा मुद्दा है कि क्या विपक्ष इन इन दोनों राज्यों में सरकारें भी उनको किस दृष्टि से देखता है, और अपने हरियाणा और महाराष्ट्र की सरकारें जो लोग हैं, आवाम है, इनको वे किस दृष्टि से देखेंगे? ये भविष्य के अंदर बहुत बड़े सवाल हैं इन दोनों राज्यों के लिए। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी, अगर देखा जाए, भारतीय जनता पार्टी ने दोनों राज्यों में अपनी सरकारें बना ली हैं, और हमारी तरफ से भी शुभकामनाएं हैं, और हम ये आस करते हैं कि दोनों राज्यों की सरकारें स्थिर हों ताकि लोकतंत्र हिंदुस्तान के अंदर एक सर्वाइव हो सके। ये हमारी रिपोर्ट थी, मैं डॉक्टर स्वास्तिक शर्मा और मेरे कैमरामैन राहुल तिवारी की। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।